मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में लोकतंत्र रक्षक सेनानी की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारी संख्या में जिले के लोकतंत्र रक्षक सेनानी मौजूद रहे। मासिक बैठक के माध्यम से लोकतंत्र रक्षक सेनानी सहित अन्य सामाजिक लोगों की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सहित विभिन्न समस्याओं का निवारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंभु सिंह सरेनियत ने कहा, बजट भी तैयार है। गृह मंत्री से मेरी बात हुई, शिव प्रताप शुक्ला को लेकर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिला, सारे पाए और सही है, भूमिगत होकर के आंदोलन चलाए, उनको कैसे इस दायरे में लाया जाए, यही न करेंगे कि लोकतंत्र सेनानियों का प्रदेश और जिले का संगठन जिसको लिख देगा कि जो तो यह केवल इतना ही के लिए देर हो रही है, अध्यक्ष लड़कर करा लिए। तो मैं कहता था कि अध्यक्ष जी, मेरी आत्मा कहती है, कभी कभी मैं बहुत ईश्वरवादी नहीं हूँ, आपको सबसे पता है, मैं आज ये भेद बोल रहा हूँ तो काम निश्चित तौर से हो जाता है। किंतु जब आज 7 बजे प्रदेश पाठक, राजनैतिक, पेंशन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, विधि न्याय मंत्री का फोन आया कि भैया हाँ, मैंने कहा मैं तुम सवेरे टहल रहा हूँ, कहा आपको खुशखबरी है, 5,000 जो आप बात किए थे जिसको मैं मंजूर किया था, मुख्यमंत्री जी ने दस्तखत कर दिया, मेरी दस्तखत रात में हो गई और राज्यपाल थे और चली गई पूरी फाइल आ। अब पूरी फाइल चली गई तो इतने में इतनी प्रसन्नता हुई कि और मैं क्या क्या पूछूं, बहुत पूरी फाइल में क्या गया है, उसमें मैं लिखा हूँ कि जिस दिन जो लोकतंत्र सेनानी मरेगा उसी दिन से उसकी पत्नी को पेंशन मिलना प्रारंभ कर दी जाए, चाहे उसका फार्म भले 1 महीना बाद भरा जाए, क्योंकि जिस दिन उसकी को मरेगा उस दिन तो उसका परिवार व्याकुल रहेगा, बेहाल रहेगा, वो तो कैसे फार्म भर पाएगा। यह बात भी आपकी इसी में मंजूर है। मैं शंभु सिंह सिरनेत, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। आज हम लोगों की लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की बैठक थी, जिसमें आज के दिन हम लोग काला दिवस के रूप में इसको मना रहे थे, जबकि हम लोगों की मासिक बैठक हर महीने हर पहले बुधवार को यहाँ होती है। ठीक है, स्थान निश्चित है, समय निश्चित है और पूरे ज़िले के लोग यहाँ आते हैं, उनकी अपनी और व्यक्तिगत या राजनीतिक या जो भी आर्थिक सामाजिक समस्या होती है वो हम सेनानी बैठ करके उसको समझते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। समाज में तमाम ऐसे कार्य करते हैं, किसी का भी हो, सेनानी हम हैं, हमारा सामाजिक दायित्व है काम करना, उनकी मदद करना, इस तरह से हम समाज के भी विचारों को जोड़ते हुए उनकी मदद करते हैं। आज के दिन हम याद रखते हैं और अपनी युवा पीढ़ी को याद दिलाते हैं कि इस दिन को जरूर याद रखना चाहिए। 1975 में आधी रात को 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लागू हुई, जबकि इस देश का संविधान कानून और इस देश का लोकतंत्र कहता है कि राष्ट्रपति के यहाँ लोग जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति दूसरे के यहाँ माने प्रधानमंत्री के यहाँ आता है, और जबरदस्ती उसको बुलाया गया, उसी दिन उस काले अध्यादेश पर उसका हस्ताक्षर किया गया और उसी दिन वो काली रात इस देश के लिए लोकतंत्र का खतरा बन करके जारी हो गई, जिसको देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं की। नौजवान, किसान, मजदूर, जेपी मूवमेंट के उनके आंदोलन में सारे लोग शरीक हुए और ऐसी ताकत उभरी जिससे सत्ता जो मद में चूर थी इंदिरा गांधी जी, और जो वो चाहती थी कि इसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लोकतंत्र की, कभी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मनमाने ढंग से जो काम किया उस पर जनता भारी पड़ी, लोकतंत्र भारी पड़ा और जेल जाने से, लाठी खाने से, हाथ पैर तोड़वाने से कोई नौजवान, कोई विद्यार्थी, कोई किसान मजदूर पीछे नहीं रहा। इसलिए लोकतंत्र बचाने में हम सारे लोगों ने, सारे देश के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिस स्तर से जो था वो कुर्बानी दिया और नतीजा हुआ कि इस देश में एक मिसाल काम हुई पूरे विश्व में कि वो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग अपनी बाजी, अपनी जान, अपनी सारी चीज़ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लोकतंत्र पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसे दिन हम सभी लोग आज इस दिन को याद रखें और सब पीढ़ी को अपने आज के दिन याद रखने के लिए बताते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र समाज, राष्ट्र और देश के लिए रक्षा करने की जब आफत आए तो उसे हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के। हम लोगों को नहीं मालूम था कि हम लोग सेनानी के रूप में कुछ पाएंगे, लेकिन आज अगर कुछ पा रहे हैं तो उसका भी यही है कि हाँ, आगे बढ़ करके आने वाले दिनों में भी हम लोगों के लायक जो भी होगा देश के लिए वो हम सब लोग करेंगे। लोकतंत्र सेनानी इसके नाते वहाँ न्यौछावर हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम कहते हैं कि कुछ देश के लिए सीखो, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम और देश की बलवेदी पर चढ़ने का भी प्रेरणा लेना चाहिए। धन्यवाद।